शेफ हरपाल, आज हम बनाएंगे एक इंटरेस्टिंग रेसिपी। हम बनाएंगे प्रोटीन मैंगो रसमलाई। अब आप पूछेंगे कि प्रोटीन क्या है। अब प्रोटीन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ड्रिंक है जिसका फ्लेवर बड़ा फ्रूटी है और ये आप कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिम नहीं जाते तो आप ये फ्रूट ड्रिंक, वे फ्रूट ड्रिंक नहीं पी सकते। भाई बहुत इंटरेस्टिंग, 7 अलग अलग फ्लेवर्स में आता है ये फ्रूट ड्रिंक और आप जब चाहें पी सकते हैं। आप अपनी किटी पार्टीज में ये ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। आप कभी घर पे पार्टी बना रहे हैं तो फ्रूट जूसेस की जगह ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, ये सर्व कर सकते हैं। और कभी आपने एक्सपेरिमेंट करना हुआ खाना बनाने में तो डेफिनेटली प्रोटीन पे पाउडर से बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहा हूँ। चलिए इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। प्रोटीन इंडिया फर्स्ट रिफ्रेशिंग लाइट एंड क्रिस्प वे प्रोटीन विच एक्चुअली टेस्ट लाइक नेचुरल फ्रूट जूसेस। प्रोटीन इज मेड फ्रॉम वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलेशन एंड वन स्कूप गिव्स यू 26 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वे प्रोटीन। और एक सर्विंग में आपको कुछ और भी मिलता है। यू गेट 15 ग्राम्स ऑफ अमीनो एसिड एंड 6 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन पर सर्विंग। यू ऑल्सो गेट 5.5 ग्राम्स ऑफ BCAA एंड इट कंटेन्स 0 शुगर। है ना मजेदार वाली बात। प्रोटीन वे पाउडर जो है 7 अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है जी आपको। लीची, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, गोवा, कोकोनट, ब्लूबेरी। है ना मजे वाली बात। तो 7 फ्लेवर्स आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन मैंगो रसमलाई बनाने के लिए क्या करना है, हम ब्रेड से बना रहे हैं, ठीक है जी। ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ब्रेड से फटाफट बनेगी। तो ब्रेड से सबसे पहले इसके एजेस काट लेते हैं। ब्रेड के एजेस काट लें। ये एजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें, ठीक है जी। और अब ये ब्रेड को हम एक बोल में ले लेते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ। थोड़ा पानी बाद में डाल के हम रसमलाई का शेप देंगे। यहाँ पे पैन मैंने लिया है। पैन में थोड़े से पिस्ताचियो रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पिस्ता काट भी लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा पिस्ता रोस्ट कर लिया हमने। हमने रोस्ट इसलिए किया क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे ग्राइंड भी करना है, ठीक है। जो ग्राइंड करना है बारीक उसको मैं अलग रख लेता हूँ। थोड़ा चॉप कर लेंगे। ये चॉप वाला मतलब इस तरह से स्लाइवर्स काट लेते हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये जो पिस्ता है इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। वाह, ये हमने ये लीजिए। जब तक हम ब्रेड की रसमलाई बनाएंगे मतलब शेप देंगे, यहां दूध गर्म करने रख देते हैं। दूध को हल्का सा गाढ़ा करना इसलिए इसको धीमी आंच पे उबालने के लिए रख देते हैं। तब तक ये जो ब्रेड है इसमें हल्का सा पानी डाल के हम इसकी रसमलाई बना लेंगे। वैसे तो आप मोटी सी ब्रेड काट के आप रसमलाई का शेप दे सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मैं आपके लिए एकदम उमदा किस्म की रसमलाई बना रहा हूँ। चलिए शेप देते हैं पहले। अब थोड़ा सा पानी लेते हैं। पानी लेके आपने ब्रेड को मसलना है, ठीक है जी। छिड़कना है पानी। ये लीजिए, ब्रेड को हमने अच्छे से मैश कर लिया और यहाँ हमारा दूध ये भी गर्म हो गया। इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो हमारा प्रोटीन पाउडर है ना वो डालते ही थोड़ी सी कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आपको मिलती है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इस दूध में केसर डाल देंगे थोड़ा सा और इलायची का पाउडर, ठीक है। ये लीजिए, ये डाल के मिक्स कर लें और इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। तब तक हाथों में पानी लगा के हम रसमलाई बना लेंगे, ठीक है। शेप दे देंगे बढ़िया। थोड़ा पिस्ता डाल लेंगे इसमें।
ये लीजिए, ये आपके रसगुल्ले बन गए और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ऐसे तीन बना लेते हैं। चलिए, हमने ये रस मलाई का शेप दे दिया ब्रेड को। अब नेक्स्ट स्टेप, तो अब हम एक काम करेंगे, ये लीजिए ये बढ़िया दूध ले लेते हैं और ये रस मलाई पहले एक बोल में डाल लेता हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट करना है इनको, जैसे आप रसगुल्ले के साथ करते हैं उसके हिसाब से पहले इसमें डाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, जो बचा हुआ दूध है, ठीक है जी, जो बचा हुआ दूध है उसमें हम प्रोटीन पाउडर मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जिम वगैरह जाते हैं तो इंटरेस्टिंग ड्रिंक आपको मिल गया जो फ्रूट फ्लेवर्ड है, ठीक है। और घर पे कई सारे ऑल्टरनेटिव आपके पास सही है, आप किटी पार्टी में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कोई पार्टी में ये सर्व कर सकते हैं, हेल्दी ऑल्टरनेटिव है और इंडिया का फर्स्ट फ्रूट वे प्रोटीन है। ये लीजिए, ये एक स्कूप डाल लेते हैं इसमें और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें ही मैं थोड़ा सा पिस्ता का ये जो पाउडर हमने बनाया ये डाल लेते हैं, ठीक है जी, तीन छोटे चम्मच ये डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोटीन दूध में मिक्स करने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो आपको कई सारे आइडिया मिल गए कि आप इसके साथ क्या क्या बना सकते हैं। तब तक मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ा मैंगो काट लेता हूँ। ये हमारा डेकोरेटिव मैंगो रोज तैयार कर लिया हमने और ये छोटे पीसेस मैंगो के काट के डाल भी लेते हैं, ठीक है, ये थोड़े से पीसेस डाल लेते हैं। चलिए, सारी तैयारी हमने कर ली, अब परोसते हैं। अब सबसे पहले ये थोड़े से मैंगो इस प्रोटीन कस्टर्ड जो हमने बनाया या प्रोटीन रबड़ी कह लें उसमें डाल लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए कैसे बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया मिक्सचर, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जिस मात्रा में मैंने आपको बताया उस मात्रा में डालना है। दो लगभग दो कप हमने दूध के लिए हैं यहाँ पे, उसमें आधा कप से भी कम थोड़ा सा हमने निकाल के ये ब्रेड वाली रसमलाई में डाल दिया यहाँ पे। ये इसलिए डाला है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए जो ब्रेड है, क्योंकि ब्रेड आपने गूंदा है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड सॉफ्ट करने के लिए गर्मा गर्म दूध जो पहले हमने डाला था गर्म करने के लिए, जिसमें हमने केसर और इलायची डाला था, वो इसमें डाल दिया, तो ये इससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। अब परोसते हैं, तो परोसने के लिए प्लेट ले लेते हैं, ठीक है जी, और ये लेते हैं चम्मच, ठीक है जी। वाह क्या बात, कोशिश करिएगा कि जितना सॉफ्ट हो सके ये ब्रेड उतना सॉफ्ट बनाइएगा। और ये जो बचा हुआ दूध है ये इसमें डाल लेता हूँ मैं, और जब वार्म हो तभी डालिएगा ताकि ये जो रस मलाई है हमारी ब्रेड की ये और सॉफ्ट हो जाए। और ये मैंगो का जो गार्निश है ये डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पिस्ता ले लेते हैं।
अच्छा, इस सारी चीज में आप परेशान होंगे कि मिठास कहाँ से आएगी। मिठास इसमें ऑलरेडी है, शुगर नहीं है लेकिन मिठास है, ठीक है जी। तो मिठास की चिंता मत करिए, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं थोड़ा सा मीठा तो बनता है, तो आप थोड़ा सा हनी ले लें, ठीक है, वो इस पर डाल लें और इसको रखिएगा 2-3 घंटे तक, ताकि ये ठंडी हो जाए, ब्रेड सॉफ्ट हो जाए और फिर खाने में आपको उतना ही मज़ा आए। और दिस इज़ अ यूनिक डिश, आई टेल यू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रिंक। सो प्रोटीन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आपके लिए मैंगो रसमलाई बनाई है।